राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कई हिस्सों को जोड़ने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेशनल हाईवे कई कामों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि मेरठ बुलंदशहर NH 334 और बुलंदशहर गाजियाबाद NH 34 पर वाहनों के बढ़ते दबाव और भूर चौराहे पर भारी वाहन आने के कारण आए दिन यातायात व्यवस्था बेहतरी रहती है। शहर में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरठ, हापुड़ से खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा की ओर जाने वाले भारी वाहन शहर की ओर न आए, इसके लिए NHAI ने नेशनल हाईवे हाईवे 34 नेशनल हाईवे हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा। लिंक 2 वर्ष पहले लिंक हाईवे निर्माण शुरू होना था, लेकिन किसानों ने कम मुआवजे के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया। 2 वर्ष में केवल 40% किसानों को ही मुआवजा दिया गया था। पिछले कुछ दिन में 30% और किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। बाकी 30% किसानों को 15 सितंबर तक मुआवजा दिया जाना है। इसके बाद 20 सितंबर तक लिंक हाईवे निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इन गांवों से गुजरेगा हाईवे। लिंक हाईवे कुड़वल बनारस, काजमपुर देवली, कमालपुर, ओढेरा उर्फ नवादा, अजदुल्लापुर, अडौली से होकर गांव दरियापुर पर नेशनल हाईवे। इसकी कुल लंबाई 3 किमी होगी। लिंक हाईवे जुड़ने के कारण जिला मुख्यालय सिकंदराबाद, खुर्जा, मेरठ और हापुड़ जाने का सफर आसान हो जाएगा। जाम से मिलेगी निजात। वर्ष 2024 तक लिंक हाईवे होने के बाद शहर के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। अभी तक मेरठ, हापुड़ से खुर्जा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा व अलीगढ़, खुर्जा से मेरठ, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, बड़ौत, उत्तराखंड के लिए जाने वाले वाहनों को भूर चौराहे से होकर गुजरना पड़ता है। लिंक हाईवे के बाद वाहन सीधे जा सकेंगे। गाजियाबाद, दिल्ली से आने वाले वाहनों को मेरठ जाने के लिए भूर चौराहे पर नहीं आना पड़ेगा। लिंक हाईवे लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर 70% किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। शेष 30% किसानों को मुआवजा सितंबर माह के दूसरे सप्ताह तक दे दिया जाएगा। इसके बाद NHAI लिंक हाईवे निर्माण कार्य शुरू करा देगा।